वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन टिप्स में। देखते हैं कि अट्रैक्टिव होठों के लिए महिलाएं करवा रही है लिप ब्लशिंग। इन दिनों महिलाएं अपने लुक को खूबसूरत बनाने के लिए सेमी परमानेंट ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही है, जैसे माइक्रो आई शेडो एक्सटेंशन, फिलर्स और आईलाइनर टैटूज। आजकल लड़कियां लिप ब्लशिंग करवा रही है। लिप ब्लशिंग से लिप्स पूरी तरह से बदल सकते हैं। लिप ब्लशिंग एक सेमी परमानेंट मेकअप प्रोसीजर है जो कि लिप्स को खूबसूरत बना सकते हैं। यह ट्रीटमेंट बिना किसी दर्द के कराया जा सकता है। लिप ब्लशिंग होठों की नेचुरल खूबसूरती बढ़ाने के लिए की जाती है। चलिए जानते हैं लिप ब्लशिंग के बारे में। क्या है लिप ब्लशिंग? कुछ महिलाओं के लिए लिप ब्लशिंग नया शब्द हो सकता है, लेकिन इन दिनों महिलाओं के बीच लिप ब्लशिंग काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। लिप ब्लशिंग एक सेमी परमानेंट मेकअप ट्रीटमेंट है जो होठों की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करता है। यह ट्रीटमेंट करीब एक साल तक चल सकता है। इस ट्रीटमेंट में होठों पर सुइयों की मदद से पिगमेंटेड इंक डिपोडिजेट किया जाता है, जिससे लिप्स फुलर बन सके। इसके साथ टिंट से होठों को नेचुरल लुक दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट में डिफाइंड लिप लाइन पाने में मददगार है। इस ट्रीटमेंट में दर्द कम होता है, जिस वजह से महिलाएं लिप टैटू की जगह लिप ब्लशिंग करवाना पसंद कर रही है। अब देखते हैं लिप टैटू या लिप फिलर से कैसे अलग है। लिप ब्लशिंग महिलाएं ब्लशिंग को लिप टैटू और लिप फिलर ही समझती है, लेकिन ये दोनों ट्रीटमेंट काफ़ी अलग है। लिप फिलर्स और टैटू में काफ़ी दर्द होता है, साथ ही इसमें 3 महीने के बाद रिफिल करवाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लिप ब्लशिंग में आपके लिप्स के कलर से मैचिंग कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपके लिप्स नेचुरल लगते हैं। साथ ही लिप ब्लशिंग को हील होने में 3 से 5 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद कम से कम 2 साल रिटच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिप ब्लशिंग कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप भी अपने लिप्स को खूबसूरत बनाने के लिए लिप ब्लशिंग करवाने के बारे में सोच रही है, तो पहले आपको अपने एस्थेटिशियन के बारे में बात करनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा शेड बढ़िया होगा। ज़्यादातर महिलाएं नेचुरल शेड का यूज़ करती है, जिससे उनके लिप्स नेचुरल लगे। महिलाएं लाइट शेड का यूज़ करवाती है ताकि जब वह डार्क लिपस्टिक लगाए तो वह उभर कर दिखाई दे। लिप ब्लशिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले लिप्स को सुनन करके क्रीम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको हल्की सी झुनझुनी महसूस होगी। अगर आप किसी एक्सपर्टी से यह ट्रीटमेंट करवा रही है तो आपको किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के बाद जिन भी नियम का पालन करने के लिए आपके एक्सपर्ट ने बोला है, उसे जरूर करें। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन टिप्स।